नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंचेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको रोटरी रैक ओवन का बेकरी के अलावा और इस्तेमाल दिखाएंगे। रोटरी रैक ओवन का इस्तेमाल बेकरी के अलावा केमिकल ड्राइंग या फूड डिहाइड्रेशन में होता है, तो इस वीडियो में हम आपका रोटरी रैक ओवन का इस्तेमाल केमिकल ड्राइंग में दिखाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम आए हैं ठक्कर केमिकल के प्लांट में। ठक्कर केमिकल बनाते हैं कीटनाशक, खरपतवार नाशक और फफूंद नाशक। तो इस पर्टिकुलर ओवन का इस्तेमाल ये खरपतवार नाशक बनाने में करते हैं। तो हम आपको पहले दिखाते हैं कि इस ओवन में और रेगुलर बेकरी ओवन में क्या अंतर है, और उसके बाद हम इस ओवन को आपको चला के भी दिखाएंगे कि ये लोग इस ओवन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम आपको ये ओवन पास से दिखाते हैं। तो ये ओवन बेकरी ओवन की तरह ही बना हुआ है, लेकिन इस ओवन की बॉडी MS की है, मतलब माइल्ड स्टील की बॉडी है। आप देख सकते हैं इसका कंट्रोल पैनल भी जैसे बेकरी ओवन का कंट्रोल पैनल होता है उसी तरह का है। हालांकि इसमें टेम्परेचर बेकरी ओवन की तरह बहुत हाई नहीं होता है। इस पर्टिकुलर ओवन में टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ही रखा जाता है, जो कि जो अपने खरपतवार नाशी उनके सिखाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रोटरी रैक ओवन का इस्तेमाल केमिकल ड्राइंग के अलावा आप और कौन कौन सी प्रोसेस में कर सकते हैं। तो ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा रोटरी रैक ओवन है। जो नॉर्मल बेकरी ओवन होते हैं उनसे ये लगभग दुगना से तिगना बड़ा है। अब एक बार हम आपको अंदर से दिखाते हैं, जिससे आपको इसके साइज़ का आइडिया होगा कि ये ओवन कितना बड़ा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ओवन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस ओवन में लगभग बेकरी ओवन के हिसाब से 250 ट्रे एक साथ में बेक हो सकती हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इस ओवन को आपको पीछे से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये ओवन लगभग 11 फुट लंबा है, और ये ओवन डीजल बर्नर से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे बेकरी ओवन में डीजल बर्नर होता है, उसी तरह का डीजल बर्नर हम इस ओवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी तरह का पैनल इस ओवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं पूरा प्रोसेस कि केमिकल ड्राइंग में अपना ओवन कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये ठक्कर केमिकल में ये लोग अपना मिक्स रेडी करते हैं, जो कि रेडी करने की प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हल्का सा इसमें नमी आ गई है। तो इस मिक्स को ये इन ट्रेज में भर के इन विशाल कई ट्रॉलीज में डालते हैं, और इस ओवन में लगभग इस तरह की ये बड़ी बड़ी 98 ट्रेज आती हैं। तो एक ट्रे में लगभग 2 किलो माल आता है। इस तरह से लगभग 200 किलो माल एक बार में इस ओवन में आ जाता है। तो इन बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में अपने ट्रे लगाने के बाद ये माल ओवन में जाने के लिए तैयार है। इस ओवन के अंदर इस तरह की 2 ट्रॉली आती हैं। तो पहले हम एक ट्रॉली डालेंगे, क्योंकि ये बहुत भारी ट्रॉली है, तो इसको धकाने के लिए आमतौर पर 2 लोग चाहिए होते हैं। तो पहले हम एक ट्रॉली डालते हैं। अब इस ट्रॉली के डल जाने के बाद दूसरी ट्रॉली की बारी आती है। उसके लिए हमें ओवन को आधा घुमाना पड़ेगा, ताकि दूसरी ट्रॉली मेरे सामने आ सके डालने के लिए। इस तरह से घुमाने के बाद हम अपनी दूसरी ट्रॉली भी ओवन के अंदर डालते हैं। इस पर्टिकुलर केमिकल प्लांट में 80 डिग्री टेम्परेचर सेट किया जाता है। 80 डिग्री टेम्परेचर सेट करने का फ़ायदा क्या होता है, जो मेरे प्रोडक्ट हैं उसमें कलर नहीं आता है, मतलब कि उसका कलर, जो मेरा कलर है वो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि कन्वेक्शन यानी गर्म हवा से सूखने की वजह से अगर मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो कलर आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो 80 डिग्री रखते हैं, ताकि किसी तरह का कलर मेरे प्रोडक्ट में ना आए। तो दोस्तों, लगभग 20 मिनट सुखाने के बाद अब हमारा माल रेडी है। अब हम इस माल को ओवन से बाहर निकालेंगे। तो जैसे हमने ट्रॉली एक एक करके डाली थी, मैं एक एक करके ट्रॉली बाहर निकालूंगा। तो जैसे हम ओवन का दरवाजा खोलते हैं, तो एक ट्रॉली मेरी सामने आ जाएगी निकालने के लिए। तो इस ट्रॉली को निकालने के बाद मेरी दूसरी ट्रॉली को मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा घुमा के दूसरी ट्रॉली को भी निकाल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ओवन से निकालने के बाद मेरा माल एकदम से बिल्कुल से सूख गया है, और इसमें कोई कलर भी नहीं आया है। तो हम अगर हम टेम्परेचर 100 से नीचे रखते हैं तो कोई कलर भी नहीं आता है। इसी तरह से ही अपना ये ओवन हम ड्राई फ्रूट सुखाने में या वो अन्य तरह के प्रोडक्ट सुखाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट की रोस्टिंग में भी इस तरह के ओवन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के ओवन का इस्तेमाल आप केमिकल लाइन के अलावा फूड ड्राइंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल लाइन में मैं आपको कुछ इस्तेमाल बता सकता हूँ। जैसे कि हमने खरपतवार नाशी का बताया,
इसी तरह से जैसे लक्ष्मण रेखा बनाने में भी इस तरह के ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फूड लाइन से हैं तो काजू की ड्राइंग में इस तरह के ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आंवला सुखाने में भी इस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कुछ लोग जैसे गेहूँ को अंकुरित करके भी इस तरह के ओवन में सुखा के गेहूँ का आटा बेचते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नए बिजनेस आइडिया भी मिले होंगे। तो दोस्तों, हमारे अगर आप बेकरी लाइन से जुड़े हैं या फूड लाइन से जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पर इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे।